नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 का आगाज हो चुका है। हमारे बहुत से दर्शकों का रिक्वेस्ट मिला कि स्पोर्ट्स पर भी वीडियो बनाई जाए, खासकर क्रिकेट पर। तो हमने भी सोचा कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब हमारी कोशिश कितनी सफल है ये आप लोग निर्णय करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आज से हम नारद टीवी पर एक और नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम क्रिकेट से संबंधित कुछ रोचक बातें आप लोगों से साझा करेंगे। क्रिकेट के इतिहास में आज तक कई अनोखे रिकॉर्ड बने हुए हैं और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसे ही अनोखे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप लोग हैरानी में पड़ जाएंगे। अगर हम आपसे पूछें कि एक बॉल पर एक बल्लेबाज कितने रन बना सकता है, तो आप लोगों को जवाब होगा 6 रन। और वर्तमान में क्रिकेट के नियम के हिसाब से ये जवाब सही भी है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं वो किस्सा जब एक बॉल पर 286 रन बने। शायद मेरी बात को सुनकर आप लोग चौंक गए होंगे, हो सकता हमारे बहुत से दर्शकों को ये किस्सा मालूम भी हो। क्रिकेट की दुनिया में कुछ किस्से आज भी बेहद चर्चित हैं, जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ कोई मैच नहीं जीत पाया। इस तरह से यह भी कहा जाता है कि जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों की हत्या करवा दी थी, इसलिए जर्मनी में नाजी काल के दौरान कोई क्रिकेट टीम नहीं बनी। भले ही इस बात में कोई प्रामाणिकता ना हो, लेकिन आज भी क्रिकेट की दुनिया में ये किस्से आम हैं। इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा यह भी है कि बहुत वर्ष पहले क्रिकेट की शुरुआत में एक टीम ने मात्र एक ही गेंद में 286 रन बना लिए थे। इतना ही नहीं, एक गेंद के बाद अपनी पारी भी घोषित कर दी और मैच जीत भी लिया। तो आइए जानते हैं इस गजब किस्से के बारे में। यह घटना है इंग्लैंड की धरती में खेले गए एक मैच की। पॉल मॉक गजट पत्रिका में छपे एक लेख के मुताबिक 1894 में इंग्लैंड के विक्टोरिया शहर और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच खेला गया। विक्टोरिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। विक्टोरिया के सलामी बल्लेबाज ने पहली ही गेंद को मैदान के पार मारा और गेंद संयोग से मैदान के बाहर ही लगे एक पेड़ पर अटक गई। गेंद पेड़ की शाखाओं में अटकी हुई थी और बल्लेबाज ने क्रीज पर दौड़ना शुरू कर दिया। वे दौड़ते रहे, लेकिन फील्डरों को गेंद नहीं मिली। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम परेशान हो गई। इत्तेफाक से पेड़ बहुत ऊंचा था और उस पेड़ पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। इस तरह काफी देर तक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉल को नीचे लाने का असफल प्रयास करती रही। जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बॉल को निकाल पाने में कामयाब नहीं हो पाई, तो अंपायर के कहने पर पेड़ को काटने का प्रबंध किया गया। एक फील्डर ने मजदूर को बुलाया। मजदूर ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना शुरू किया। इधर इस दौरान क्रीज पर बल्लेबाजों का रन बनाने का सिलसिला जारी था। काफी देर और कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काट दिया और इस तरह से बॉल फील्डरों को मिली। लेकिन जब तक फील्डर गेंद को स्टंप्स तक पहुंचा था, बल्लेबाज 286 रन बना चुके थे। गेंद मिल जाने के बाद विक्टोरिया टीम ने अपनी पारी घोषित कर दी, जिसके बाद स्कोर टेक के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन विक्टोरिया टीम के 286 रनों का लक्ष्य वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हासिल नहीं कर सकी और मैच हार गई। इस क्रिकेट मैच का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में अब भी यह किस्सा आम है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी ये कोशिश थी क्रिकेट के कुछ दिलचस्प पहलुओं से आप लोगों को रूबरू कराने की। ये उस श्रृंखला की पहली वीडियो है और अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है, तो आगे भी क्रिकेट से संबंधित और भी ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।